हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आज हम आप इस वीडियो में देखेंगे आपके पर्सन के, आपके लवर के या आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा अंदर से वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है सबकी एनर्जी मैं फील ना कर सकूँ। ओके, जितना आपके साथ रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ले और बाकी छोड़ दे। रीडिंग देखते समय आपको फील होगा आपकी एनर्जी है या नहीं। अगर आपको अपनी एनर्जी फील होती है, आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो ये आपके लिए ही है रीडिंग। और अगर नहीं फील होती तो ये आपके लिए शायद नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप देखना चाहे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स कैसी है, ट्रू फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या है। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर हम पूरी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं। ओके, आपकी पर्सन जो है आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है पूरी दुनिया से। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मुझे दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, यू नो, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे। और आपके लिए अगर पूरी दुनिया से भी उनको लड़ना पड़े ना, तो वो लड़ जाएंगे। इस टाइप की फीलिंग उनके मन में आपके लिए है। वो बहुत ही डिवोटेड है आपको लेके। ओके, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हैं वो आपको लेके। तो कुछ और लोग भी हैं उनके आसपास, यू नो, जो शायद आप दोनों के बीच में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में दरार बन रहे हैं, कुछ लोग हैं। अब ये नहीं पता लग रहा मुझे कि वो कौन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं और वो आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, और वो फ़ाइट करेंगे भी। ओके, क्योंकि वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े ना, वो लड़ जाएंगे आपके लिए। ये फीलिंग्स आ रही है मुझे। ये एस ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि वो पर्सन ना आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस रिलेशनशिप के, और एक तरह से ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहते हैं आपके साथ। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी है। ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लटरी नेचर के है, बहुत ही सेंसिटिव भी है। ओके, आपके बारे में सोच के ही उनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटफुल फील करते हैं वो, कुछ नया सा फील करते हैं। मतलब अंदर से जो प्यार है ना, वो उनकी आँखों पे छलकता है। अगर आप उनसे बात करेंगे और उनके साथ बात बैठ के बात करते हैं, तो उनकी नेचर पे दिखता है कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गहरा प्यार रखते हैं। ओके, कमिटेड हैं आपको लेके। कमिटेड है तो ये रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगा। ऑलरेडी रिलेशनशिप में अगर आप ये आपके पार्टनर है, अगर आप ये अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, ओके, तो ये पर्सन जो है ना, वो बहुत ही ज़रा डिवोटेड है आपको लेके। एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ये पक्का बढ़ेगा आगे। ओके, दिस पर्सन इज़ कमिटेड एंड ही इज़ गोइंग टू प्रपोज एंगेजमेंट, दिख रहा है मुझे। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ रॉड्स। जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है आपको लेके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, यू नो, क्या कहते हैं इसको, समथिंग, यू नो, कई बार ऐसा होता है वर्ड्स नहीं मिलते हैं बोलने के लिए। ओके,
तो ये जो पर्सन है ना आपके, वो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को कंटेंटमेंट, पीस और जो आपके डिज़ायर्स है ना, वो आपके लिए एक परफेक्ट पर्सन बनना चाहते हैं टोटली, जिसको कहते हैं ना एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट पार्टनर फील करना चाहते हैं अपने लाइफ को आपके साथ। ओके, दिस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ अपने भविष्य देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आपके साथ आगे बढ़ के आप ये फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको लेके ना पॉजिटिव है, एडिक्टेड है आपको लेके, दिस एडिक्टेड टू यू। जो कुछ भी मतलब आप लोगों के बीच में जो कोई अगर थर्ड पार्टी था ना, जैसे हो सकता है कि फैमिली इन्फ्लुएंस भी हो, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पर कुछ लोगों से ये फाइट ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए। पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था शायद, जिसके वजह से इन्होंने तय किया कि अब तो मैं फ़ाइट करूँगा, अब तो मुझे इस पर्सन के साथ, जैसे मतलब आपके साथ आगे बढ़ना है, तो इन्होंने देख लिया कि मुझे इस पर्सन के साथ एक बेटर फ्यूचर दिख रहा है, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूँगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया के साथ लड़ना पड़े, मैं लड़ जाऊँगा। तो इस टाइप की फीलिंग्स वो एम्बार्क कर रहे हैं अपने अंदर आपके लिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर वो आपके साथ प्लान कर रहे हैं और प्लान करना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी वो आपको इस बारे में बताएंगे भी, आपको बहुत ही जल्दी इस बारे में वो खुद ही बताने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ के बहुत ही खुश है आपके साथ, बहुत ही जरूरी, इसलिए मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ही जल्द। ये बहुत ही एक थॉटफुल पर्सन है, बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने टाइप के पर्सन नहीं है। जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ही सोच समझ के फैसला लेते हैं, और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो इसके पीछे उन्होंने बिल्कुल अपनी तैयारी कर ली है। ओके, देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड से ही बता रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, और वो आपके सामने एक प्रपोजल लेके बहुत जल्द आ रहे हैं, आने वाले हैं, बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं। इज़ गोइंग टू टेल यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट इट। आपका रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुली आगे बढ़ेगा। दे फील कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों ही सिर्फ ग्रो कर सकते हो, उनके नज़रों में और कोई नहीं है आपके अलावा। ये देखिए, ये जो कुछ भी मैन, अगर शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत डिले कर दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस में खड़े उतरने में उन्होंने बहुत डिले कर दिया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अब हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, और वो ये करेंगे और ये करके रहेंगे, और आपको ये रिज़ल्ट आपके सामने दिखेगा भी। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो एक राजा की तरह सोच रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए वो कुछ भी करेंगे, वो आपको डिफेंड करेंगे, पूरी दुनिया से भी डिफेंड करेंगे आपको, किसी और को वो आपको चोट पहुंचाने नहीं देंगे, वो देख नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा वो आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दिस पर्सन इज़ दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बोथ साइड फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, वो मेंटली भी, आपकी माइंड भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और आपकी
फिज़िकल अपीरियंस भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ओके आपके साथ वो ग्राउंडेड फील करते हैं, आपके साथ उनको फील होता है कि मैं इस पर्सन के साथ ना एक बेटर फ्यूचर बना सकता हूँ, ये मेरा यही मेरा लाइफ पार्टनर है। और अगर वी आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप तो वो इस रिलेशनशिप में यू नो ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, और है भी लॉयल, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है रिलेशनशिप को लेके। ये पर्सन आपसे ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपको, यू नो। थोड़ा और क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं कि और कहाँ और क्या गहराई से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आप उनकी ताकत हो, वो आपको एक ताकत के रूप में देखते हैं कि आप उनके साथ हो ना तो वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आप उन्हें हिम्मत देते हो, आप उनको ताकत देते हो। यू टू आर मेड फॉर इच अदर, यू टू आर यू नो लाइक सोलमेट। आप सोलमेट जैसे होते हैं ना कि बस एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं, इस टाइप के हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में हार्डवर्क कर रहे हैं। ये सब कुछ वो आपको बताना चाहते हैं, पर कुछ शायद ऐसा कुछ है जो आप दोनों शायद ये एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं या टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ओके एक ऐसी दुनिया वो आपको देना चाहते हैं जो दुनिया आपको आपने शायद सिर्फ सोचा होगा, आपकी खुशियों के लिए वो यू नो आपकी खुशियों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक उनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आ गया है कि अब तो जो मतलब हो जाए ना बस हो जाए, अब पीछे नहीं हटना। उन्होंने बहुत पेशेंस रखा, उन्होंने बहुत लोगों की बातें सुनी, पर उनको किसी ने नहीं समझा। उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस रखा कि जब वक्त आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उनका सपोर्ट किसी ने नहीं किया। तो अब उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो खुद अकेले ही फाइट करेंगे, चाहे उनको पूरी दुनिया से लड़ना पड़े आपके साथ होने के लिए, वो लड़ेंगे। उनकी आँखें खुल गई है कि जो उनके आस पास लोग थे ना वो सिर्फ दिखावा करते थे, वो उनके अपने नहीं थे। और आपने उनकी आंखें खोल दी है, आपने उनको दिखाया है कि जो वो देख रहे थे, जो वो ज़िंदगी जी रहे थे ना, वो सच नहीं था। उन्होंने खुद ये चीज़ महसूस की जब आपने ऐसा उनको सच से रूबरू कराया। आप दोनों ने बात की, कम्युनिकेट किए एक दूसरे से अच्छे से। वो आपके साथ ऑनेस्ट होने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वो आपको कैसे बताए कि वो किन लोगों के बातों में आ रहे हैं और आपको अवॉइड कर रहे हैं, कन्वर्सेट करने से डर रहे थे। लेकिन आपने हिम्मत दिखाई और आप आगे बढ़े, आपने उनसे बातचीत करी, उनको सच दिखाया, उनको रिलीफ मिला बहुत ही ज़्यादा। जो रिलेशनशिप्स उनके दूसरे लोगों के साथ थे, उसके साथ उन्होंने जब कंपेयर किया आपके रिश्ते के साथ, तो उनको सच दिखाई दिया कि वो सब तो झूठ था। ठीक है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड फील कराते हो, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कराते हो। आप दोनों का जो टाइम होता है ना एक साथ, जो हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होता है, और इस चीज़ को वो पूरी ज़िंदगी के लिए पाना चाहते हैं। इसीलिए जब ये कार्ड शो कर रहा है ना, तो ये कार्ड अब बता रहा है कि
इट इज़ द साइन ऑफ गॉड, गॉड इज़ सेंडिंग दिस साइन कि बस आप दोनों के कनेक्शन जो है ना वो जुड़ने वाला है बहुत जल्द। सो ये उनकी ट्रूएस्ट फीलिंग है आपके लिए, ये ही वो फीलिंग्स हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको ये फीलिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ओके और आपको कोई भी रीडिंग अगर चाहिए, पर्सनल हो या कलेक्टिव हो, चाहे कैसे भी टाइप की आपको रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।